आज की वीडियो में बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन में शेयर करने वाली हूँ। इस कॉम्बिनेशन से फंगस जनित रोगों का कंट्रोल होगा। आप किसी भी स्टेज में यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग टाइम में, फ्रूट डेवलपमेंट टाइम में, फ्रूट सेटिंग के समय, मेच्योरिटी स्टेज में, सब स्टेज में आप यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार की फसलों में इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो फंगस जनित रोगों के साथ साथ में सभी प्रकार के कीटू का, लट्टू का भी कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे रस चूसने वाले कीट हो या फिर चबाने वाले कीट हो, मकड़ी है, सबका कंट्रोल होगा। साथ ही आप न्यूट्रिशन भी इस कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं। तो इस बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, लाइव में आपको घोल तैयार करके दिखाऊंगी। लास्ट तक आप जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस पावरफुल कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए, सबसे पहले आपको बहुत अच्छा फंगिसाइड लेना है। ऐसा फंगिसाइड जो कि कॉन्टेक्ट भी हो और सिस्टेमिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो प्लूटोन क्रिस्टल का बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, स्पेशली अभी जैसे फल पे स्पॉट बन रहे हैं, पत्तियों पे स्पॉट बन रहे हैं, लीफ स्पॉट है, या बारिश वगैरह का अभी टाइम हुआ है तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट की समस्या आ सकती है। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है ये क्रिस्टल कंपनी का प्लूटोन फंगिसाइड। इसमें टेक्निकल कंटेंट है एजोक्सिस्ट्रोबिन 11.5% और मैनकोजेब 30% पाउडर फॉर्म में आता है। दोस्तों, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएल के अवोंशर ग्लो में आता है। अवोंशर ग्लो में एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% और मैनकोजेब 66.7% आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। प्लूटोन फंगिसाइड के मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एजोक्सिस्ट्रोबिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड है, बहुत सारी डिजीज को एक साथ में कंट्रोल करता है और लंबे समय तक कंट्रोल करके रखता है। उसके साथ ही मैनकोजेब जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टेक्ट फंगिसाइड होता है, ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक्शन इसमें आता है प्लूटोन फंगिसाइड में। फाइटोटोनिक इफेक्ट भी इसका देखने को मिलता है, यानी कि फसलें में जब भी आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे के बाद में फसलें ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा हरी भरी नजर आती है। और इसकी परफेक्ट डोज होती है 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में आप स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ के लिए 300 ग्राम से 350 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं अगर प्रिवेंटिव में, और प्लस आप कॉम्बिनेशन में यूज करें तो 300 ग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशियंट होता है। 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करें। अगर आप 15-16 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो 15-16 लीटर की टंकी में आप 22 ग्राम से 25 ग्राम तक आप मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए। इस बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए सेकंड आपको लेना है दोस्तों इंसेक्टिसाइड, और इंसेक्टिसाइड में जो कि सभी प्रकार के रस चूसने वाले, चबाने वाले कीटों को और मकड़ी को भी कंट्रोल करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है नीम ऑयल। नीम ऑयल दोस्तों 1000 ppm, 1500 ppm, 3000 ppm, आप अगर फ्लोरिंग स्टेज में, फ्रूट सेटिंग के समय, फ्रूट डेवलपमेंट के समय, मेच्योरिटी स्टेज में आप यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है 10000 ppm से नीचे नीचे के जो फाइल है, जैसे आप 1500 ppm का ले सकते हैं या 3000 ppm का ले सकते हैं, 1000 ppm का ले सकते हैं, तो इनका आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और लंबे समय तक कंट्रोल भी रहेगा। साथ ही फसलों पे किसी टाइप का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस नीम ऑयल को आप किसी भी स्टेज में यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इस कॉम्बिनेशन में प्लूटोन फंगिसाइड के साथ में लिया है 1500 ppm का नीम ऑयल। 1500 ppm नीम ऑयल, यानी कि इसमें आता है एजाडिरेक्टिन 1500 ppm, यानी 0.15% इसमें होता है। इंसेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि अभी थ्रिप्स का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, एफिड्स का है, माइट है, व्हाइट फ्लाई है, लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है, साथ ही फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर है, ब्राउन प्लांट होपर है, लीफ फोल्डर है, बॉलवॉर्म्स है, मिली बग, इन सबको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी कि सभी प्रकार के रस चूसने वाले, चबाने वाले और मकड़ियों को भी कंट्रोल कर लेता है। इसकी डोज आपको 1500 ppm वाली की आप ले सकते हैं, 2 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना है इस कॉम्बिनेशन में। दोस्तों, एक चीज का आपको लास्ट में जरूर ध्यान रखना है कि 10000 ppm तक के नीम ऑयल को ही आप फ्लोरिंग स्टेज में या फ्रूट डेवलपमेंट के समय या फिर फ्रूट सेटिंग के समय आप इस्तेमाल करें। इसे ज्यादा कंटेंट वाला नीम ऑयल आप यूज ना करें।
थर्ड इस कॉम्बिनेशन में आपको लेना है चिलिटेड जिंक। अगर आप सिट्रस प्लांट्स में आप स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कि अभी मौसमी किन्नू वगैरह, संतरा वगैरह, तो दोस्तों और बागवानी में अनार वगैरह में भी आप यूज कर सकते हैं चिलिटेड जिंक। अगर फ्लोरिंग टाइम है या फ्रूट डेवलपमेंट का समय, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जिंक की स्पेशली सिट्रस प्लांट्स में बहुत ज्यादा कमी रहती है, तो चिलिटेड जिंक आपको इस कॉम्बिनेशन में जरूर ऐड कर लेना है। और चिलिटेड जिंक की बात की जाए तो 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए आपको यूज करना है जिंक, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रेंट होता है। और फसलों में, सभी प्रकार के फसलों में मोस्टली जिंक की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी देखने को मिलती है। आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।